दिल्ली के नरेला में पीने के पानी की किल्लत को लेकर भाजपा सांसद हंसराज हंस, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के पूर्व विधायक नील दमन खत्री, बीजेपी पार्षद सुनीता चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस का घेराव किया। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला भी जलाया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहीं। विरोध प्रदर्शन में सांसद हंसराज हंस समेत बीजेपी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खाली मटके भी जल बोर्ड के कार्यालय के सामने तोड़े। हंसराज हंस ने कहा कि दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, ना ही साफ हवा सांस लेने के लिए मिल रही है, इससे बड़ी दिक्कत और क्या हो सकती है। इन सब मुद्दों को लेकर सांसद ने भी स्वच्छ हवा और पानी की मांग का मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं क्या कहना है भाजपा सांसद हंसराज हंस का। भाइयों बहनों, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। किसी ऐसे मसले के लिए धरने पे बैठना पड़ता तो अफसोस ना होता, लेकिन लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा के सत्ता हासिल करनी, लोगों को हर शय मुहैया करने के वादे करके सत्ता हासिल करनी, हम लोग कितने मासूम हैं, हम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। सांस लेने के लिए हवा में प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है कि हमारे बच्चे मास्क लगा के जाते हैं। इतनी शिद्दत की गर्मी है, पीने को पानी नहीं, तो क्या जिंदगी है। अब तो सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो सांस लेना भी सजा लगता है। केजरीवाल, तेरा पूरे का पूरा चेहरा झूठा लगता है। इस मौके पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार की समस्याएं लोगों को गिनवाई कि किस तरह से लोगों को नरेला में पानी नहीं मिल रहा है। पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई, चाहे लाइनें जरूर बढ़ा दी गई हैं। इस कारण जो पानी था वह भी सभी जगह बिखर गया है। लोगों को पीने का पानी जो पहले मिलता था वह भी मिलना बंद हो गया है। साथ ही बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेबीज का टीका भी नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में आवारा जानवरों द्वारा काट लिए जाने पर लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर रेबीज का टीका ही नहीं मिलता। तो केजरीवाल के स्वास्थ्य की सेवाओं के जो बिगुल दूसरे राज्य में भी बज रहे हैं, उसको एकदम फर्जी करार देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के लोग खुद दिल्ली की जनता से पूछे वह कितने परेशान हैं केजरीवाल की नीतियों से। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्थानीय महिला का। यहाँ जब मेरे को कुत्ते ने काटा तो हर्षम सबसे पहले गई थी, तो यहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। ट्रीटमेंट का भी, वो जो टेटनेस का टीका लगाते वो भी नहीं लगाया था यहाँ, उन्होंने रेफर कर दिया था। लोग गए थे तो पूछा, मैं दो चार टीके ऐसे लगा दिए थे, उसके बाद एक दो टीके बोले बाहर से लेना पड़ेगा, बाहर से लिए तो वहीं से लगवाए। तो हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन नहीं मिले? नहीं, इंजेक्शन एक दो मिले थे, ग्यारह इंजेक्शन लगे थे, एक दो इंजेक्शन बाहर से खरीदे थे, कुछ इंजेक्शन वहाँ से मिले थे। इस मौके पर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जल बोर्ड कार्यालय के सामने ये पुतला जलाया गया और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता एक बड़ा ताला भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यदि लोगों की पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ये जल बोर्ड किसी काम का नहीं है और वह लोग इस पर ताला लगा देंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस भयंकर गर्मी में लोगों को कब पानी पीने को मिल पाता है। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट।